Welcome back to Make the Morning. हमारे पास है आपके recent social media stars और मुझे खुद भी जो है ना इस वक्त थोड़ा सा डर लग रहा है. पता चले कल को हमारी भी वीडियो आई हुई हो जिसके ऊपर डबिंग हुई हुई हो है ना. तो मैं वेलकम करूंगी यहाँ पे खुजली फैमिली को, हसीब एंड रजा समो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र. पहले तो आप मेरे साथ पैक्ट करें ना टीवी पे. क्या चीज़? ठीक, इसके ऊपर कोई डबिंग नहीं होगी. मतलब जो नहीं, रोस्ट नहीं. करते हैं रोस्ट पका आप खा जाते हैं आप लोग रोस्ट तो पहले शुरू वाला पार्ट होता है. बुलाए हूँ आपको, कैसे रोस्ट करते हैं? ठीक है, आप लोगों की गलतियाँ ढूंढते हैं. क्या होगा? लोगों की गलतियां ढूंढते हैं, कोई गलती कर दे उसको फिर पकड़ लेते हैं हम लोग. हैव टू बी अच्छा रोस्ट करते हैं पहले. नहीं, बहुत जबरदस्त. अच्छा, किस तरह? पहले तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द नेम खुजली फैमिली. व्हाट इज दिस खुजली? एवरीबॉडी स्टार्ट्स विद देयर नेम. तो खुजली मतलब व्हाई खुजली? हां, व्हाई खुजली? कैसे? नहीं सोचा क्या? मतलब यू मस्ट बी सिटिंग वन डे. अच्छा जी, हमने ये तो जहन में था मेरे. अच्छा, तो मैंने पहले काफी सोचे फिशी वाइन, दिस वाइन, दैट वाइन, लेकिन कुछ क्लिक नहीं कर रहा था. तो मैं ऐसे करके ना सोच रहा था ऐसे सर खुज आके, फिर मेरे जहन में आया खुजली, व्हाई नॉट खुजली. मतलब मैं बस क्लिक किया, वो कोई आमद हुई. मैं कहा ठीक है बस खुजली. पहले वाइंस रखा था खुजली वाइंस, पर वाइंस ड्यूरेशन कम होती है. फिर ज्यादा लोग आने लगे, लोग भी ज्यादा आ गए, टीम बड़ी होगी, तो उसको फैमिली कर दिया अब खुजली फैमिली. अच्छा जबरदस्त. कितना अर्सा हो गया इसको? Like how long have you been doing this for? Almost 2.5 साल हो गए. Almost 2.5 साल हो गए. और आपका वो जो मोमेंट था of recognition, जहाँ पर सब everybody started talking about it, सबको पता चल गया, वो कौन सा था? Basically scene ये था कि हम university life के ऊपर बनाते थे. अच्छा. तो जिसके ऊपर फिर जब university life के ऊपर videos बनना शुरू हुई, फिर लोग relate करने लगे उसको अपने साथ. तो वहाँ पे आके हमारा sudden moment था. हाँ, कि जहाँ से एक कोई video गई थी, वो जो 6.4 million views पे गई थी. तो वो एक कौन सी वीडियो थी? वो चीटिंग वाली वीडियो थी. मतलब उसमें ये दिखाते हैं कि लोग किस तरह, मतलब स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में जब टीचर चले जाते हैं ना, तो मतलब कॉल आती है कि मैं आ रहा हूँ. अच्छा, तो कैसे चीटिंग करते हैं, डिफरेंट हमने टाइप्स बताए थे, इस तरह करता है, इस तरह करता है. वो बहुत रिलेट कर सकते थे सारे स्टूडेंट्स. तो वो काफी वायरल गई थी किसी दौर में. अच्छा जबरदस्त. तो मतलब ये सारी चीजें पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती हैं? ऐसे ही है, कह सकते हैं. बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे साथ जिंदगी में होती हैं और हम उसको फिर बनाते हैं. बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, आइडिया इतना होता है कि हमें कोई भी हम मोमेंट देख लेते हैं, कोई हमारे दोस्त आते हैं यार आप इस चीज के ऊपर वीडियो बना लो. तो इसको आके फिर मैं बताता हूँ कि यार ये एक आइडिया, इसके ऊपर वीडियो बनानी है. और फिर ये कहता है ठीक है मैं सोचता हूँ. इसको फिर आमद होती है, एक आमद होती है. और फिर आमद के बाद ये कहता है, सोचता है, पूरा प्लान करता है, उसके बाद एक वीडियो बनती है. फिर एक पूरा स्क्रिप्ट आता है, फिर हम बनाते हैं. और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हम वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं जो वहाँ पे हम करते हैं, इम्प्रोवाइज वहाँ पे करते हैं. अच्छा जबरदस्त. नहीं वो नजर आ रहा है उस पर जो सबसे मजे की कॉमेडी होती है वो इम्प्रोवाइज कॉमेडी. पहले तो मैं आपके सारे फैंस से जो है अपोलोजाइज कर लूंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा था आप लोगों का कि यू विल बी ऑन द शो ऑन थर्सडे. सॉरी, मेरी तबीयत अभी भी बड़ी खराब है. हाँ, वो अभी हम एंड टू बी ऑनेस्ट अभी भी बताऊंगी, बिकॉज अक्सा ने मुझे जो है ना दो दफा कॉल करिएगा, मैडम ना कीजिएगा ये प्लीज, वो लोग आ चुके हैं. मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन ना लें. वहां पर बेशक शो वो कंडक्ट कर रहे हो, बट आई विल बी देयर, सो आई एम हियर. तो अगर आप लोग थर्सडे को एक्सपेक्ट कर रहे थे, टुडे वी आर हियर, आई एम वेरी हैप्पी. हम आते हुए प्लान कर रहे थे कि शो ना हुआ तो हम रोस्ट करेंगे इनको. देखो मैं, मेरा हिडन मकसद ये भी था, मैं नहीं चाहती थी कि मैं बाद में जो है ना रोस्ट हूँ. वो बुलाया और फिर मेरे सारे जितने पुराने शोज है ना उसके लूपर्स निकले. फैंस हमें रोस्ट करते तो फिर मतलब नहीं, ये तो मैंने नहीं होने देना था ना. ऐसा तो कह रहे थे आप टीवी पे आओगे, किधर हो? तो फिर क्या मैसेज भी आए थे, हम तो 9 बजे टीवी लगा के बैठे थे, आप तो थे ही नहीं. आगे आगे हम इधर हैं, ठीक है? अच्छा मेरे पास मजे मजे की कुछ एक्टिविटीज भी आप लोगों के लिए, हम बातें तो करेंगे. मैं इक्विपमेंट का भी पूछूंगी, कोई अगर अपना व्लॉग स्टार्ट करना चाह रहा है उसके लिए क्या आप टिप्स एंड You know, सही, कैसे सही. अपना बिजनेस खराब करना चाहेंगे दूसरों को बता बिल्कुल, के उस बारे में मैं पूछूंगी. अच्छा आप जो है वो डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और एडिटिंग करते हैं, और आप जो है वो मार्केटिंग मैनेजर भी हैं. सर मार्केटिंग के टिप्स तो देना, किस तरह आपने ये खुजली फैमिली को इतना मशहूर किया, क्या करते, कितने पैसे लगते? नहीं पैसे वगैरह तो नहीं लगते. आपको फेसबुक के ऊपर एक चीज तो मैं सारों को बता दूंगी, फेसबुक के ऊपर मशहूर होना कोई इतना खास मुश्किल काम नहीं है. अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो आप इजीली हो सकते हैं. कोई अच्छी आपने वीडियो बना ली, उसके बाद आप बूस्ट करते रहे तो आपकी ऑटोमेटिकली वीडियो जो है ना वायरल हो जाती है.
तो उसके ऊपर मैं जरूर कहूंगा कि क्योंकि उन्होंने फेसबुक ने काफी रीच कम कर दिया है जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके रिलेट हम अब यूट्यूब के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे जाता है बंदा, यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे आप जो लोग फेसबुक पे चैनल अपना एक पेज बनाते हैं वो अपना डेफिनेटली चैनल यूट्यूब पे बनाते हैं क्योंकि आपका अर्निंग का सोर्स जो है ना वो यूट्यूब है, यूट्यूब आपको क्योंकि कुछ ना कुछ अर्निंग देता है, फेसबुक आपसे पैसे लेता है। अगर आपने मशहूर होना है, आपके पास पैसा है तो आप उस पे इजीली पैसे लगा के मशहूर हो सकते हैं। हाँ, बड़े धोखे से आपको मतलब ऐसे ही क्यों के काम कर रहे हो, अच्छा सा काम कर रहे हो, मतलब एवरेज काम कर रहे हो 7 out of 10 किस्म का तो, और बूस्टिंग वगैरह लगाते जब तो फिर मैं अपने लिए पूछ रही हूँ ना, मैं 2 साल से टीवी पे होकर इतनी मशहूर नहीं हूँ जितने आप लोग वीलॉग से हो गए, उसके ऊपर बूस्टिंग जो है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती। नहीं, मैं उसी के ऊपर एक चीज मेरी है कि हमने एक वीडियो बनाई थी DSLR वाला दोस्त, ठीक है, तो हमारी सेम वीडियो, सेम वीडियो शायद आपने देखी भी है, सेम वीडियो हमारी किसी ने कॉपी की, सेम डायलॉग, हर चीज सेम। अच्छा। हमारी वीडियो के ऊपर जो व्यू था वो तकरीबन 3 लाख था, किसी मशहूर बंदे ने कॉपी की? नहीं, ऐसे ही रैंडमली कुछ बॉयज थे उन्होंने कॉपी की, और हमारी वीडियो पे 3 लाख व्यू उन्होंने बूस्टिंग कर करके 1 मिलियन पे पहुंचा दी, और हम इतने परेशान, हमने कहा यार ये क्या हुआ। हाँ, तो फिर हमने जो रोस्टिंग का सेशन शुरू किया था ऑसमो स्पीक, तो वो सबसे पहले हमने उसके ऊपर आगाज किया, और हमने पहले उनका रोस्ट किया और अच्छा खासा किया। अच्छा, जबर, मैंने ये मुझे वो रोस्टिंग वाली वीडियो जो है ना वो देखनी है कि किस तरह जो हिडन असल में मकसद है ना रोस्टिंग का, सिर्फ ये नहीं है कि किसी भी चीज को पकड़ो और बेइज्जती कर दो। बड़ा इंटेलिजेंट ह्यूमर है अगर आप उसमें देखे तो। मैं तो अभी रिसेंटली आपकी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली देखी थी, ठीक है, मैं सबको कहूंगी प्लीज अगर आपने सीजन नहीं देखा हुआ तो सारे स्पॉइलर उसके अंदर है, शुरू से एंड तक आपको सीजन समझ आ जाएगा, लेकिन इट वॉज ब्रिलियंट। मैंने भी उसके बाद देखना शुरू लेकिन अच्छा उसके बाद देखना शुरू किया, सब कुछ आपको पता चल गया उसके अंदर। लेकिन मुझे एक चीज जो है, मुझे लगता है लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू इट, क्योंकि एक एक वर्ड के साथ वो मूवीज के पोस्टर निकालना, फिर एक एक चीज की पिक्चर डालना, उसको डालना, तो कितना कोई टाइम लग जाता है एडिटिंग। पहले हम वीडियो बनाते थे ना, तो अब मुझे मतलब आइडिया होता है कि वीडियो अगर हम बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, स्केच वीडियो जो कॉमेडी वीडियो होती है उसकी एडिटिंग में इतना टाइम नहीं लगता जितनी इसकी में लगता है। उसमें एक एक वर्ड पे मैं एक एक वर्ड सर्च कर रहा था, अगर मैंने बोला कसम तो मैं कसम सर्च करता हूँ, कुछ मुझे ऐसा मिल जाए उस पर फनी, अक्सर मूवीज मिल जाती है इंडियन में, सही है, फिर वो मैंने एक पैटर्न बना लिया मूवीज की, डालता रहता हूँ। नहीं, वो बहुत उसके अंदर एक एक पिक्चर भी बड़ी जबरदस्त होती है, एक एक रेफरेंस बड़ी जबरदस्त होती है, उसके अंदर एक बॉय है जो कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, राजू, राजा जी वो बड़ा जो है उसके फिक्शनल कैरेक्टर है जो मेरा एडिटर है। अच्छा, वो एडिटिंग वो करता है। अच्छा, वो काफी मतलब जानबूझ के ग्लिचेस डाले होते हैं, और राजा जी क्या कर रहे हो, सही कर दो उसको, ये वो उसी वक्त हो रहा होता है रन टाइम में। अच्छा, मुझे जरा बताए हेटर्स का क्या सीन है, होते होंगे ऑब्वियसली हेटर्स, मतलब ये तो पक्की बात है कि अगर आपके हेटर्स नहीं है तो मशहूर नहीं है, आप मशहूर नहीं है, सीधी बात है ये। तो क्या करते हैं मतलब हेटर्स का, हेटर्स को इग्नोर, यही बेस्ट हल है, इग्नोर और क्या मतलब। मैं तो दिल पे ले लेती हूं, दिल नहीं, कई लोग दिल पे ना लेंगे, कई लोग बहुत ही पर्सनल हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों अभी हमारा एक रोस्ट हुआ है, एक बंदे ने हमारा रोस्ट किया, वो इस चक्कर में रोस्ट किया कि हम उसको बैक रोस्ट करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हमने उसको कहा ठीक है कर दिया खत्म। दैट्स अ गुड वे, इवन अगर आप रोस्ट हो जाओ मशहूर हो जाते हो, ऐसे ही है ना, फीचर हो जाते हो एक वीडियो में, बेशक वो क्या बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, है ना, ये सब बात है, तो फिर ये रोस्टिंग भी एक अच्छी चीज होती है। बाय द वे, एक जिन खातून को आपने, खातून को तो नहीं, उस एंकर को आपने रोस्ट किया था, वो एक वीडियो थी आपकी बड़ी मशहूर हुई थी, उसके अंदर जो वो खातून थी उनका भलाई हो गया वैसे उससे, शी इज गॉटन हर ओन शो, ये अच्छा, तो ये डिबेट वाली एक वीडियो थी ना। हाँ, मुझे याद है बिल्कुल, वो हमारी नंबर वन ट्रेंडिंग पे वीडियो थी, उसको कभी भी नहीं भूल सकते। तो वो सारे पहली वीडियो देखी थी, वो वीडियो थी, टू बी ऑनेस्ट काफी लोगों ने उसी से मतलब देखना शुरू किया, क्योंकि वो नंबर वन यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियो आई थी, जो की बड़ा ऑनर था हमारे लिए रमजान में। बड़ा अच्छा मुबारक महीना होता है ना, उसमें आप भी मशहूर हो गए। अच्छा जी, मेरे पास एक बड़े मजे की एक्टिविटी है, ब्रेक का टाइम तो नहीं हुआ अभी, ऐसे टाइम पे हमेशा ब्रेक आ जाते, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते, फिर तैयार हो जाए, बड़े मजेदार से जवाब देने, ठीक है, सीधे सीधे नहीं देने, सही है, छोटी सी ब्रेक करो आप साथ। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग, हम हैं अपने दोस्ती के ढाबे पे और यहाँ पर बनाएंगे हम चाय शेफ वसीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत ठीक ठाक। आपको कभी लगा था आप कभी टीवी के ऊपर आके चाय बनाना सिखाएंगे?
हाँ ये तो बस कुदरती बात है, है ना। चाय बनाना वैसे आपका भी ताल्लुक क्योंकि पेशावर से है जी, पेशावर और पेशावरी कावा और जो हमारी पठानों की खालिस चाय होती है वो बड़ी मशहूर है, मशहूर होती है ना, तो वो हम जो है आज बनाते हैं यहाँ पे। और इसमें जो दूध हम इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्ती। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक टी वाइटनर है और इन कोलैबोरेशन विद फौजी फूड्स है, जिससे इसका मयार जो है वो हमें पता चलता है कि इट इज कम्प्लीटली हेल्दी एंड द बेस्ट पार्टनर फॉर योर चाय। जिस तरह रिश्तों के अंदर सबसे खूबसूरत रिश्ता दोस्ती का होता है, उसी तरह चाय का सबसे प्यारा जो बॉन्ड है वो दोस्ती से बनता है। और हर चाय का मजा करें दोबारा दोस्ती, ऐसा ही है।